सो हेलो एंड वेलकम यू वोल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। सो टाटा मोटर्स में यहाँ पर कल ही हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वो चीज़ आज हमें यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक ने अगर हम देखें तो बिल्कुल शानदार रिटर्न दिए हैं। मॉर्निंग से ही स्टॉक में यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिल गए थे। वही अगर देखें तो कुछ बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है टाटा मोटर्स में, तो उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक अब 600 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम में ये शेयर सीधा 1000 रुपये तक भी जा सकता है। तो कैसे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और वही अगर देखें तो टाटा मोटर्स एक क्वालिटी स्टॉक है, इसके लेवल शानदार हैं। और वही अगर देखें तो यहाँ पर टाटा जो कंपनी है, नाम सुनकर ही हमें इस पर भरोसा हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इस शेयर को लेकर काफ़ी कुछ बातें हम करने वाले हैं। और यहाँ पर वीडियो को आगे कंटिन्यू करो उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक में अगर हम देखें तो यहाँ पर आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग कहाँ पर मिली? 634.20 रुपये के लेवल पे ए शेयर हमें क्लोजिंग देता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। 9.60 रुपीज़ के अराउंड अगर आप देखते हो तो स्टॉक यहाँ पर हमें एक तगड़ी बढ़त आज बताता हुआ नज़र आया है। 1.54% के बेसिस पे ए ग्रोथ जो है स्टॉक में हमें आज देखने को मिल जाती है। यही नहीं, पिछले 5 दिनों में आप देखो काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशंस नज़र आए थे। और जिन लेवल से स्टॉक में गिरावट आई थी 11 सितंबर के बाद, उन्हीं लेवल्स के अराउंड अब ये शेयर पहुंच चुका है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो और वही अगर देखें तो वही अगर देखा जाए एक महीने में स्टॉक 15 रुपये तक की ग्रोथ बता चुका है। 6 महीने में 218 रुपये, जो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और वही अगर देखिए रन हाफ की बात कर लूँ, यानी लास्ट अगर देखा जाए आधे साल से भी ज़्यादा, तो 239 रुपये तक के स्टॉक ने ग्रोथ बताई है। और वही अगर देखें तो आज 228 पे ओपन हुआ, सीधा 236 का इसने हाई लगाया। और स्टॉक में अगर हम देखें तो जो इसका नया हाई है, वो जो 665 रुपये का जो इसका 52 वीक्स का हाई है, वो हाई भी ये जल्द ही ब्रेक कर देगा यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ ही वैसी चल रही है। तो कुछ बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, तो न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो टाटा मोटर्स में कई बड़े जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी ओर से पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पे अगर देखें तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर जो टाटा नेक्सोन का प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसको लेकर जो नोमुरा फर्म है उनकी ओर से इसमें सीधा टारगेट दे दिया गया है 786 रुपये का। बिल्कुल यहाँ पर 786 रुपीज़ का टारगेट हमें देखने को मिल जाता है। एक फॉरेनर ब्रोकरेज फर्म है जिसकी ओर से यहाँ पर कहा गया है कि ये स्टॉक 786 रुपये तक जा सकता है, जो काफ़ी बड़ी चीज़ है। किसी ब्रोकरेज फर्म की ओर से जो रेटिंग दी जा रही है, जो यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है, काफ़ी शानदार है। और प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर अगर देखें 8 से 13 लाख रुपये की रेंज में आपको जो टाटा नेक्सोन है वो इजी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। और वही अगर हम देखें तो बिल्कुल ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है स्टॉक पिछले कुछ टाइम से। यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स ने यहाँ पर पहले से ही एक प्लान इन्होंने बना लिया था। टाटा मोटर्स प्लान टू सेट अप सेपरेट सेल नेटवर्क फॉर इट्स इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल इन द करंट फिक्सल ईयर एज इट टुक टू गिव डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपीरियंस टू द बायर्स। तो कस्टमर्स के लिए जो ईवी सेक्टर में जो कस्टमर्स है, ईवी सेक्टर्स के जो कस्टमर है, उनके लिए यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टाटा ने डिसीजन लिया कि वो जो इनका ईवी नेक्सोन जो ईवी व्हीकल है उसके लिए एक सेपरेट प्लांट बनाएंगे। सेपरेट उनकी ओर से प्लान्स क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पर उनके अलग से शोरूम रहेंगे। तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। इस न्यूज़ को लेकर यहाँ पर कई रूमर्स भी फैले कि यहाँ पर क्या टाटा डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ बनाना बंद कर देगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। एक अलग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर बिल्कुल टाटा
इनके लिए ईवी व्हीकल्स के लिए अलग शोरूम बना रहा है, जिसकी वजह से भी अगर देखें जो इको फ्रेंडली और जो इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हद तक एक बड़ी न्यूज़ है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसी वजह से टाटा ये बढ़ रहा है। और वही अगर देखें तो इसने इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ऑलरेडी है। यहाँ पर अगर देखें 27 जून 2023 तक इसने लगभग 50,000 सेल्स मार्क कर दी थी बुकिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये एक चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो बिल्कुल टाटा की अगर बात कर ले तो काफ़ी हद तक ग्रोथ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो पहले हम बात करने वाले हैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। शेयर में आज मॉर्निंग से ही हमें एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। मॉर्निंग में अगर हम देखें तो स्टॉक ने आज एक शानदार रिटर्न दिए है। एक गैप अप यहाँ पर स्टॉक में हमें देखने को मिलता है, कितना ऊपर ये ओपन हुआ था ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो 2.35 रुपये तक ये ऊपर की ओर यहाँ पर ओपन हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक गैप अप ऑर्निंग स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, और हम पहले ही बात कर चुके थे कि स्टॉक में एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। काफ़ी हद तक इन लेवल्स के बारे में हमने बात कर ली थी। बट वही अगर देखें तो कल के लिए यानी आने वाले ट्रेडिंग सीजन्स के लिए स्टॉक में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये वाला लेवल्स है, इस ऊपर के लेवल से स्टॉक ने अगर देखें तो हमें रिजेक्शन बताया है। तो यहाँ से इस पॉइंट से स्टॉक अगर आप देखोगे रिजेक्शन बताता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। नीचे की ओर से अगर हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। इस पॉइंट से अगर हम देखें तो स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो एक रेंज यहाँ पर है, तो जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक ये नो बाइंग रेंज है, यहाँ पर कोई भी बाइंग पॉसिबल नहीं है। बट अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो बाई की ओर जा सकते हैं। नीचे की ओर अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो वेट करना 622 रुपये या फिर 620 रुपये के अराउंड फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो कल हमने कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पर कि एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न स्टॉक में क्रिएट हो रहा है, और इसी फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न के साथ साथ आप इसमें बाइंग की ओर भी जा सकते हो। और एग्जैक्टली वो चीज़ हमने देखी भी, आज काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर रेंज को इसने ब्रेक किया। एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न यहाँ पर जो बना था इस रेंज को ये स्टॉक ब्रेक करता हुआ नजर आया, और ब्रेक करते से ही आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जंप स्टॉक ने यहाँ पर लगा दिया है। तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हमें ये नज़र आ जाती है। और काफ़ी टाइम से अगर देखें तो इन पर्टिकुलर रेंज के अराउंड ही ये रिजेक्शन ले रहा था, और फाइनली इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया और ऊपर की ओर शेयर सीधा जाता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। और आने वाले टाइम में जो टारगेट्स यहाँ पर हमें मिल सकते हो, टारगेट की अगर बात कर लूँ तो कई बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। पहले तो ये अपना हाई भी ब्रेक करेगा, जो 665-664 रुपये के अराउंड है ये हाई भी ये ब्रेक कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और नए हाई की ओर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में तो ग्रोथ लग रही है, जिस तरीके से टाटा मोटर्स यहाँ पर अपनी बढ़त को बता रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में ये बड़े बड़े जो टारगेट्स हैं वो भी यहाँ पर ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो काफ़ी हद तक ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं इन लेवल्स को देखकर यहाँ पर क्लियरली लगता है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस रेंज को ए ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वही अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आप देखो इस लेवल का भी आप ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर इस लेवल को भी आप ध्यान रखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बनता है। ब्रेकआउट के बाद ये शेयर ऊपर गया और यहाँ से सस्टेन करके भी ये शेयर ऊपर की ओर जा सकता है, तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। तो आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर बताने वाला है। टाटा मोटर्स लिमिटेड नाम यहाँ पर याद रखना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है बड़े टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर ये सस्टेन भी कर रहा है, इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है टाटा मोटर्स में, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम रहा है, सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन करके ये शेयर बिल्कुल ऊपर जाने के लिए भी रेडी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस कर लेना है, फिर इन स्टॉक्स में